हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एनालिसिस पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीन सुपरस्टार वेस्टइंडीज के प्लेयर्स यानी कि ब्रावो, पोलार्ड और रसल, इन तीनों में से कौन सा प्लेयर अपने आईपीएल करियर में अपने फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैटिंग एनालिसिस से। अगर आप देखते हैं तो पोलार्ड ने ब्रावो के मुकाबले कहीं ज्यादा मैचेस और इनिंग्स खेली हैं और इसी के कारण पोलार्ड ने ब्रावो के मुकाबले कहीं ज्यादा रन्स भी बनाए हैं। लेकिन इन प्लेयर्स को दिए गए मौकों में कौन सबसे बेहतर खेला है, ये हमें अगर पता करना है तो हमें उन प्लेयर्स के एवरेज, स्ट्राइक रेट और इनिंग्स पर 50s कंपेयर करने होंगे। इनिंग्स पर 50s यानी कि कितने इनिंग्स बाद एक प्लेयर हाफ सेंचुरी लगाता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन से प्लेयर में बड़ा स्कोर करने की कैपेसिटी है। तो पोलार्ड हर 10वें मैच में और ब्रावो हर 21वें मैच में हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उसी के साथ पोलार्ड का बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट भी ब्रावो के मुकाबले कहीं बेहतर है। तो ये बात साफ है कि बैटिंग डिपार्टमेंट में पोलार्ड ब्रावो से बेहतर है। अगर रसल और पोलार्ड की बात करें तो पोलार्ड ने रसल के मुकाबले लगभग 90 इनिंग ज्यादा बैटिंग की है, लेकिन अगर इंपैक्ट की बात की जाए तो रसल हर 9वें और पोलार्ड हर 10वें मैच में हाफ सेंचुरी लगाते हैं और रसल का बैटिंग स्ट्राइक रेट भी पोलार्ड के मुकाबले कहीं बेहतर है, लेकिन पोलार्ड का आईपीएल बैटिंग एवरेज रसल के मुकाबले थोड़ा सा ही बेहतर है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि पोलार्ड के मुकाबले रसल थोड़े ज्यादा इंपैक्टफुल बैट्समैन है। और अगर हम कंपेयर करें ब्रावो और रसल के बैटिंग को तो ये बात साफ है कि ब्रावो के मुकाबले रसल कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल बैट्समैन है। हम ये भी देख सकते हैं कि रसल के मुकाबले ब्रावो को हाफ सेंचुरी बनाने में 12 इनिंग्स ज्यादा लगती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रसल की बैटिंग पोलार्ड और ब्रावो के मुकाबले कहीं बेहतर है, तो इसीलिए रसल रहेंगे हमारे बैटिंग डिपार्टमेंट में नंबर 1 प्लेयर। यहाँ पर बात हो रही है ऑलराउंडर्स की, तो इसीलिए बैटिंग के साथ साथ हमें बॉलिंग परफॉर्मेंस एनालाइज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम देखें ब्रावो और पोलार्ड के बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स तो ब्रावो ने पोलार्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा इनिंग्स में बॉलिंग की है और उन्हें विकेट भी ज्यादा मिले हैं। और अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस के इंपैक्ट की बात की जाए तो ब्रावो हर विकेट के पीछे पोलार्ड के मुकाबले काफी कम रन्स देते हैं, यानी कि उनका बॉलिंग एवरेज पोलार्ड के मुकाबले बेहतर है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो दोनों अपने हर ओवर में 8 से ज्यादा रन देते हैं, लेकिन ब्रावो थोड़े से बेहतर। और अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ब्रावो हर 18वें बॉल पे और पोलार्ड हर 22वें बॉल पे विकेट लेते हैं। तो इसी तरह अगर हम तीनों डिपार्टमेंट की बात करें तो ब्रावो पोलार्ड से बेहतर बॉलर है। और अगर हम ब्रावो और रसल के बॉलिंग की बात करें तो दोनों का बॉलिंग स्ट्राइक रेट लगभग सेम ही है, लेकिन ब्रावो का बॉलिंग एवरेज और इकोनॉमी रसल के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर। तो इसी के साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट में ब्रावो रसल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल रहते हैं। अगर हम बात करें रसल और पोलार्ड के बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स की तो रसल ने पोलार्ड के मुकाबले कम इनिंग्स में बॉलिंग करके पोलार्ड से ज्यादा विकेट्स निकाली है और इसके साथ ही रसल का बॉलिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट पोलार्ड के मुकाबले बेहतर है, लेकिन पोलार्ड रसल के मुकाबले कम रन देते हैं इसीलिए उनकी इकोनॉमी बेहतर, लेकिन इसके बावजूद रसल पोलार्ड के मुकाबले थोड़े ज्यादा इंपैक्टफुल बॉलर है। तो अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें तो इन तीनों में ब्रावो सबसे इफेक्टिव बॉलिंग परफॉर्मर है। तो ये हो गई बैटिंग और बॉलिंग की बात, तो चलिए अब देखते हैं एज एन ऑलराउंडर कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। तो अगर हम इन तीनों ऑलराउंडर्स की ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस एनालाइज करें तो हमने उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें पॉइंट्स दिए हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैटिंग स्टैटिस्टिक्स के टेबल में पोलार्ड का एवरेज देखें तो वो बेस्ट है, उसे हमने ग्रीन कलर में मार्क किया है और हम उसे देंगे 2 पॉइंट्स। तो उसी बैटिंग एवरेज के कैटेगरी में आंद्रे रसल है सेकेंड नंबर पर, तो इसीलिए हमने सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर को दिया है येलो कलर और उसे दिया है 1 पॉइंट, और जो उस कैटेगरी में सबसे खराब है उसे दिया है रेड कलर और उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसी सिस्टम के साथ अगर हम दोनों टेबल्स यानी कि बैटिंग और बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करें और सबके पॉइंट्स एडिशन करके देखें तो हमारे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल ऑलराउंडर है आंद्रे रसल 8 पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और उसके साथ ये भी बताना कि आपको कौन से प्लेयर्स के बीच ऐसा एनालिटिकल कंपैरिजन देखना है। तो ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।